रामपुर में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद खाली पड़े स्थान पर अब विधायकी का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें स्वार के नेता सफीक अहमद अंसारी, जो वर्तमान में नगर पालिका स्वार के चेयरमैन पति है और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने अपनी लहर बनानी शुरू कर दी है, जिसमें अब कई और दावेदार भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख स्वार शफीक अहमद अंसारी संभावित प्रत्याशी विधानसभा 34 स्वार टांडा ने ग्राम यूसुफ नगर, ग्राम चित्रिया जागीर, ग्राम तारका मंजरा, ग्राम सियोराहा, ग्राम हसनपुर में जनसंपर्क कर आगामी उपचुनाव के सिलसिले में जनसंवाद किया। लोगों के द्वारा फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत कर आगामी उपचुनाव में पूर्ण रूप से हर प्रयास साथ देने का वादा कर खुशी व्यक्त की। लोगों के द्वारा कहा गया कि अब स्वार टांडा को क्षेत्रीय विधायक की जरूरत है। वहीं इस मौके पर मास्टर मसीतुल्लाह मुजलमीन बैच वहीं इस खास मौके पर मास्टर मसीतुल्लाह मुजमिल प्रधान सिहोरा, इरशाद प्रधान मंडुआ हसनपुर, इस्माइल प्रधान पहाड़पुर, हाफिज शाहिद नूरपुर धूमपुरा, हाजी छोटे छित्रिया, इद्रेस नेता सहित अन्य लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत। होना चाहिए मेरे, क्योंकि आज तक जो भी है शहर वालों को वोट दिया है हम सब लोगों ने, क्योंकि वोट हमारा है और शहर वाले उसको राज करते हैं। अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप जैसा हूँ, जैसे आप ऐसे मैं हूँ। आप मुझसे कोई भी 24 घंटे कभी भी आ सकते हो, आप मेरा पूरा घर खुला है और मुझसे टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन बड़े लोगों से टाइम ले रहा हूँ, आप कब मिलेंगे, उनके थ्रू बात होगी, कैसे क्या होगा, तो उसमें आपको उसमें कोई आवश्यकता नहीं है टाइम लेने की। आप सीधे आ सकते हैं और इंशाल्लाह बहन जी की पार्टी से बहन जी ने क्लियर कर दिया है, घोषणा हो जाएगी, टिकट फाइनल हो गया है और जैसे चुनाव की घोषणा होगी, अब हो 3 महीने बाद हो, 1 साल के बाद हो, तब आप सब लोगों को हमारा साथ देना है। और चूंकि मैं आपके बीच का हूँ, आप करीब का हूँ, मुझसे जैसे भी आप कैसे भी काम करा सकते हो, तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, माता के घरों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप पूरा अपना समय निकाल करके जो भी चुनाव का टाइम हो उसमें मताधिकार का प्रयोग करना है। चूंकि मत एक भी एक वोट, बहन जी का भी एक वोट है, हमारा भी एक वोट है, मोदी जी का भी एक वोट है।